साल भर जिस त्योहार का महिलाओं को इंतजार रहता है, कल वही करवा चौथ का त्योहार है। इसी के चलते बाजारों में हर तरफ बस मेहंदी की रंगत और चूड़ियों की खनक है। बाजारों में हर तरफ चहल पहल का माहौल है और सबसे ज्यादा रश तो मेहंदी लगवाने वालों का है, महिलाओं से लेकर बच्चों तक, नवविवाहित लड़कियों से लेकर अविवाहित लड़कियों तक, सभी में मेहंदी को लेकर एक अलग ही उत्साह है। इसी के चलते रेहाड़ी कोटली कॉलोनी जम्मू में भी मेहंदी लगवाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दिन का हम सबको इंतजार रहता है। आज हम मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पर बाजार में, ये मेरी फ्रेंड है, और हम सब अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। हर साल हमें ये दिन जो है वो खुशियाँ लेकर आए और हर सुहागन जो है वो इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाए। इस दिन की खुशी जो है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पूरा दिन हम भूखा रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्यार है। ये जो दिन है ये सिर्फ एक दिन नहीं है, अपने पति के लिए प्यार है, एक त्याग है अपनी एक बीवी का, और एक कि हम पूरा दिन भूखे रहते हैं लेकिन हमें प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, इतना प्यार और इतने स्नेह का ये त्योहार है। और हम यही कामना करते हैं कि हर सुहागन जो है सबके जिंदगी में ये त्योहार खूब सारी खुशियाँ लेकर आए और ऐसा ही ये त्योहार हम खुशियों के साथ मनाते रहे। आज हम सब बस यहाँ आए हैं करवा चौथ के तैयारी, एक दिन पहले की जो तैयारी, फीमेल्स के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार होता है वैसे तो हर औरत के लिए, मतलब हर साल वो वेट करती है करवा चौथ आएगा, मेहंदी लगाऊंगी, सजूंगी धजूंगी, फिर वैसी दुल्हन बनूंगी जैसी अपनी शादी के टाइम बनी थी। तो रौनक तो आप देख ही रहे हैं, हर एज की फीमेल, छोटी बच्चियां भी हैं, इवन मैंने देखा कि काफी ओल्ड एज की फीमेल्स भी थी, तो सब खुशी से मेहंदी लगाने आई हैं और कल तो सभी दुल्हन बनेंगी, सो कल और रौनक होगी अपने सुहाग के लिए, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, और ये खुशी हर औरत के जीवन में सदा बनी रहे। बस इस त्योहार के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं और बस अब इकट्ठी हुई है तो अब गपशप भी चल रही है, बस मेरा यही कह। सो एक्साइटेड कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाइस एक्सपीरियंस। एज यू नो टुडे इज आवर फेस्टिवल, आवर डे, सो फेस्टिवल सभी सुहागन लेडीज के लिए एक खास फेस्टिवल होता है, तो बहुत उत्साह होता है, खूब शॉपिंग करने को मिलती है, अपनी मनपसंद की चीजें लेते हैं और खूब सारी शॉपिंग बाजार में, आप देखो कितनी रौनक है, बहुत मजा आ रहा है और यहाँ मेहंदी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, तो अभी एंजॉय कर रहे हैं कल और ज्यादा एंजॉय करेंगे।